चाहे किसी भी कारण से आपका पेशाब के अंदर बंधा पड़ गया है, यानी कि आपको पेशाब नहीं निकल पा रहा है, और जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा घबराहट बन गई है, आपकी सांसें ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे अटक चुकी हैं। दोस्तों, यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब किसी व्यक्ति को पेशाब के अंदर बंधा पड़ जाता है, यानी कि पेशाब जब उस किसी व्यक्ति का रुक जाता है, नहीं निकलता है, तो उस व्यक्ति को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा परेशानी उस टाइम पे महसूस करनी पड़ती है जब उसका पेशाब बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। सबसे पहले नंबर वन पे उसके यहाँ पे अंदर वाले पार्ट में, यूरिनल पार्ट में बहुत ज्यादा इचिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा जलन शुरू हो जाती है, जिसका सीधा का सीधा इफेक्ट आपके अंदर वाले सिस्टम पे पड़ता है। पूरा शरीर घबराने लगता है, पूरे के पूरे शरीर में कंपन पैदा हो जाता है, पूरे के पूरे शरीर में बेचैनी होने लगती है। ऐसी बेचैनी कि जिसमें व्यक्ति की हालत इतनी ज्यादा खराब होने लगती है कि अगर कुछ देर तक उसका इलाज नहीं किया गया तो बाद में उसको नाली लगा के ही बाहर निकालना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन फिर यही है। अगर आप चाहते हैं कि आप या फिर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जानकार, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त अगर इस समस्या से ग्रस्त है, जिसको कभी कभी या बार बार यही समस्या उसको फेस करनी पड़ती है, तो आज एक ऐसा रामबाण उपाय आप लोगों के बीच में लेके यहां पे मैं आपको, आपके बीच में प्रेजेंट हूं। अगर आपने इस उपाय का इस्तेमाल कर लिया तो मात्र, मैं गारंटी देता हूं, मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपका पेशाब निकल जाएगा। इतना जबरदस्त ये उपाय है, बहुत ज्यादा लोगों पे आजमाया हुआ ये उपाय है। आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको बार बार या कभी कभी पेशाब में बंधा पड़ जाता है। अब दोस्तों, आपने इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, कौन कौन सी चीजें आपने लेनी है, इसमें आपने अच्छी क्वालिटी का एरंड का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल आपने लेना है, 50 ग्राम तक, 50 ग्राम तक कैस्टर ऑयल लें, आधा गिलास पानी गुनगुना करें, यानी कि थोड़ा सा गर्म करें, उसके अंदर ये तेल डालें, अच्छे से मिक्स करें और उस व्यक्ति को पिला दें जिसको पेशाब के अंदर बंधा पड़ा हुआ है, जिसका पेशाब रुक चुका है, जिसका पेशाब नहीं निकल रहा है, जिसकी यूरिनल पार्ट में बहुत ज्यादा इचिंग, बहुत ज्यादा एक तरह से पेन, एक हैवी पेन जिसको हम बोलते हैं, वो हो रहा है, तो आप ऐसे रोगी को ये पिलाएं, 15 मिनट के अंदर अंदर पेशाब एकदम खुल के निकलेगा। आप इतना यकीन मानिए, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं इस चीज का यकीन आपको दिला रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल गुरुजी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेके आऊंगा, ऐसी ऐसी रेमिडीज आपको मैं बताऊंगा जो शायद ही किसी ने बताई होंगी, और इनका 100% सोल्यूशन, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और आजमा के जरूर देखें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि गुरुजी ने यह नुस्खा दिया था, इसका रिजल्ट क्या वाकई में सही है। जी हाँ, ये चीज ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों तक कितना फायदा पहुंच रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।